Never miss a moment of 2014 FIFA World Cup. I, me and my live sports dot in, simply sportainment. Already. Mr. Subodh Pradhan, is he an investor or a promoter? Subodh Pradhan, शहर के जाने माने investor. Let me just check it out. Sir, इस list में तो कोई registration नहीं इस नाम से. Are you sure? Damn sure. Girish, ये क्या बोल रहे हैं? I thought आपने उनके साथ confirm किया था. Of course, उन्होंने email पे confirm किया था. I'll just show you. Ma'am, ये ID पहने रखिएगा. See this. इसमें तो कंफर्म किया है. Exactly. Then why is he not here? Oh, look who's here. इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के शाहरुख खान, मिस्टर अंशुमन द ग्रेट. ओह, इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड की फ्लॉप हीरोइन आप भी आए. एक्सक्यूज मी सर, यू नीड टू साइन हियर. थैंक यू सर. प्लीज आप ये आईडी हमेशा पहन के रखिएगा. अगर आप इसे अपने हाथ से पहनाएंगे तो मैं कभी उतारूंगा ही नहीं. प्लीज. एक्सक्यूज मी सर, आपके पार्टनर मिस्टर संजय देसाई और आपके क्लाइंट मिस्टर एसपी आपका 9 बजे से वेट कर रहे हैं. बट हम 10 बजे शुरू करने वाले थे, राइट? Right, sir. SP. Subodh Pradhan. So, any doubts? I don't believe this, Anshuman. Tumne hamara client chura liya? By the way, tumhara client wo tha hi kab? Girish, let's go. But Jayashree, tum ye kya kar rahi ho? Let's just go. तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी, हम? मैं? तो वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था. कॉन्फ्रेंस रूम में गए थे लेकिन सिर्फ एक इंसान जिंदा बाहर आया. आरोपी जयश्री बर्मन. ये प्रोसिक्यूशन ये साबित करना चाहती है कि आरोपी जयश्री बर्मन ने ही वो चारों खून किए हैं. वो डील इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जब इसे ये पता चला कि उसके प्रतिद्वंदी अंशुमान मेहता और संजय देसाई उसके क्लाइंट को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसे बहुत गुस्सा आया. वो उस मीटिंग में जबरदस्ती घुस गई और उसके सर पर खून सवार हो गया और उसने उन चारों को मौत की घाट उतार दिया. यहां तक कि उसने अपने साथी गिरीश तक को नहीं छोड़ा क्योंकि इस डील फेल होने में गिरीश का भी हाथ था.
ऐसे घिनौने अपराध के लिए प्रोसिक्यूशन जय श्री बर्मन के लिए मौत की सजा मांगती है। Your Honor, मैं समझ सकता हूँ कि अभियोग पक्ष महोदया सौंदर्या जी क्यों मेरी मुवक्किल को हत्यारे मान रही है। अन्य मुकदमों की तरह Your Honor, यहाँ भी जो दिख रहा है वैसा है नहीं, और जो नहीं दिख रहा इस समय वही है। मानता हूँ कि सारे साक्ष्य इस समय मेरे मुवक्किल के विरुद्ध है, किंतु Your Honor, ये केवल उनका दुर्भाग्य था जो ये वहां घटनास्थल पर उपस्थित थी। इनका सौभाग्य भी है Your Honor, कि उस कक्ष के अन्य चार व्यक्तियों के विपरीत ये वहां से बच के निकल आए, ये अब भी जीवित है। Your Honor, प्रोसिक्यूशन चाहता है कि होटल एलिगेंस के सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर निर्विक सिंह को कटघरे में बुलाया जाए। अनुमति। तो बताइए निर्विक सिंह जी, उस कॉन्फ्रेंस रूम में गोलियों की आवाज चलने के बाद क्या आप जाने वाले पहले शख्स थे? जी मैडम। तो बताइए आपने क्या सीन देखा? मैंने देखा कि वहाँ चार लाशें थी और मिसेस जयश्री बर्मन वहाँ खड़ी थी। योर ऑनर, ये तो किसी क्राइम सीरियल का सीन लगता है, नहीं? अच्छा बताइए, उस कमरे में जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था ना, या दूसरा कोई रास्ता भी था? जी नहीं मैडम, ये प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम सिर्फ वीवीआईपी गेस्ट के लिए है, पूरी तरह सुरक्षित। योर विटनेस। निर्विक जी, कैसे पता चला आपको इस घटना के बारे में? जी मुझे मैनेजर सुमित ने फोन किया था, उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी है। तो आप पहुंचे फिर वहां? जी। तो क्या देखा आपने, कितने लोग वहां उपस्थित थे? जी, प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम 3 के बाहर मैनेजर सुमित, होस्टेस डेलनाज और कई डेलीगेट्स थे। अच्छा, मतलब कई लोग वहां उपस्थित थे। और वो दरवाजा उस कक्ष का खुला था या बंद था? जी खुला था। संभव है कि आपके वहां पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति अंदर से बाहर आया हो या बाहर से अंदर गया हो? जी नहीं, अगर ऐसा हुआ होता तो मैनेजर या होस्टेस ने देखा होता। आप तो वहां के सिक्योरिटी इंचार्ज है ना, ऐसी घटना घटने के बाद आपने तो परीक्षण किया होगा सीसीटीवी कैमरा के फुटेज का। जी हाँ, लेकिन उस दिन वहां का कैमरा बंद था। तो यहाँ इस होटल में जिसके आप सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, जी, तो ये कितने कैमरा लगे हुए हैं यहाँ कुल मिला के? 93 कैमरा लगे हुए हैं। और उस दिन घटना के दिन 93 कैमराज में से कितने कैमरा संचालित थे, कितने बंद थे, बिगड़े हुए थे? दो। अच्छा, दो कैमरा बंद थे, एक उस कॉरिडोर का कैमरा, कक्ष के बाहर का कॉरिडोर, दूसरा? सर, दूसरा कैमरा होटल के साइड एंट्रेंस का कैमरा था। क्या क्या प्रॉब्लम क्या था कैमराज में, क्या क्या खराबी थी? जी नहीं सर, खराबी नहीं थी, दोनों कैमरा स्विच ऑफ थे। एक्सक्यूज मी, फॉल्ट नहीं था, स्विच ऑफ थे। तो कुल मिला के कहानी कुछ ऐसी है कि 93 कैमराज में से वही दो कैमरा बंद थे, साइड एंट्रेंस वाला और कक्ष के बाहर के कॉरिडोर वाला। संभवतः कोई व्यक्ति साइड एंट्रेंस में आता, कॉरिडोर में, कक्ष में प्रवेश करके हत्या करके निकल जाता, तो इन्हीं दो कैमराज में उसकी छवि अंकित होती, किंतु नहीं हुई क्योंकि दोनों कैमराज बंद थे। अब बात आती है आप पर, आप तो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वहां के, ये 93 कैमराज का संचालन आपके हाथों में है, तो पूरी संभावना है कि आप ही ने ये दो कैमराज बंद किए और आप ही ने ये हत्या की। जी जी, ये योर ऑनर, मिस्टर पाठक एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं? योर ऑनर, जैसा कि मैंने कहा, ये सिक्योरिटी इंचार्ज थे और पूरी संभावना है कि इन्होंने ही वो दो कैमरास ऑफ किए, बंद किए, ताकि इस अवसर का लाभ उठाकर ये साइड एंट्रेंस से उस कॉरिडोर में आकर उस कक्ष में दाखिल होकर प्रवेश करके चारों लोगों की हत्या कर सके। ऑर्डर ऑर्डर।
और इससे पहले योर ऑनर की सौंदर्य जी ये कहें कि इनके पास हत्या करने का कोई उद्देश्य नहीं था, मैं अदालत के समक्ष चंद कागजात प्रस्तुत करना चाहूंगा। योर ऑनर देखिए, इनके बैंक स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स इत्यादि, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इन्होंने बहुत ही भारी मात्रा में धन, भारी मात्रा में नहीं, और जितना धन इन्होंने कमाया था तब तक इनके जीवन की जमा पूंजी सब एक फंड में, एक फाइनेंशियल स्कीम में लगा दिया था यार उन्होंने, जो जाली निकला वो फंड डूब गया और इनकी जीवन की जमा राशि रद्द हो गई। मैं अदालत को ये जानकारी देना चाहूंगा कि इस फंड के संचालक सुबोध प्रधान जी थे और चार अन्य व्यक्ति जो इस फंड से जुड़े थे यार ऑनर, जो इस स्कैम से जिन्होंने भारी मात्रा में धन कमाया, वो थे अंशुमन मेहता, संजय देसाई, गिरीश बंगेरा और मेरी मोकिल जयश्री जी। यार ऑनर, अगर निर्विक सिंह जी को सबको मारने की इतनी अच्छी वजह थी तो उन्होंने मिसेस जयश्री बर्मन को क्यों छोड़ा? उचित प्रश्न सौंदर्या जी, और आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि जयश्री जी ही थी जिन्होंने इस फंड की बीज बोई थी। ये जो स्कैम था इसकी नींव जयश्री जी ने ही डाली थी, जिसके कारण आप अपने जीवन की पूरी राशि खो बैठे, आपकी जमा पूंजी नष्ट हो गई। यही कारण था यार ऑनर कि जयश्री जी को सबसे कड़ा दंड देना चाहते थे, इसी के चलते हत्याएं इन्होंने की और वो कन जयश्री जी के हाथ में थमा गए ताकि संदेह की सुई सीधी इन पर जाए। ये बात सच है कि मैं उन चारों धोखेबाजों से नफरत करता था। उनकी घटिया स्कीम की वजह से मैं अपना सब कुछ खो बैठा। वो मरने के ही लायक थे पर मैंने उनका कत्ल नहीं किया। अब क्या लगता है आपको, आप बोलेंगे और हम मान जाएंगे? प्रमाण चाहिए होते हैं साक्षी, साक्ष्य। ठीक, अगर आप नहीं मानते तो अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। ये देखिए, जिस वक्त ये कत्ल हुए मैं उस वक्त फिल्म स्टार यश ओबराय, जो कि सीक्रेटली होटल में ठहरे थे, मैं उनके साथ था। मेरे काम से खुश होकर उन्होंने अपने साथ वीडियो लेने दिया था। योर ऑनर, मिस्टर पाठक की कहानी में कुछ ज्यादा ही नमक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा नींबू निचोड़ के, थोड़ा सा मसाला डाल के उसे ठीक ठाक करना पड़ेगा। मैं मिसेस बर्मन से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। आगे की कार्रवाई लंच के बाद शुरू की जाएगी। सुबोध प्रधान की बॉडी यहाँ थी। इंस्पेक्टर साहब, पांचवी गोली केडी सो को फोन करता हूं। लंच ब्रेक के लिए अदालत अभी रुकी हुई होगी। केडी सर, आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। मिसेस जयश्री बर्मन, क्या आप हमें एग्जैक्टली बता सकती है कि उस सुबह कॉन्फ्रेंस रूम में क्या हुआ? मैं और मेरे कलीग गिरीश वहां एसपी को मिलने वाले थे। मतलब सुबोध प्रधान, जाने माने फेमस वेंचर कैपिटलिस्ट, राइट? जी, लेकिन उसने हमें धोखा दे दिया। तो मिसेस बर्मन, जब आप उस कॉन्फ्रेंस रूम में गई तब आपने देखा कि आपके प्रतिद्वंदी मेहता और देसाई आपके क्लाइंट एसपी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, राइट? वो लोग तो डील हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं,
क्या ये भी सच है कि आप उस कॉन्फ्रेंस रूम में अपने कलीग गिरीश के साथ जबरदस्ती घुस गए और फिर आपने देखा कि आपके आपके क्लाइंट और उनकी मीटिंग चल रही है और आप आपको बहुत गुस्सा आया? मिस्टर प्रधान, तुम हमारी प्राइवेट कॉन्फ्रेंस में ऐसे कैसे अंदर आ सकती हो? एसपी हमें मिलने वाला था, तुम्हें नहीं। जयश्री, ये बड़ी डील्स है, तुम इनको हैंडल नहीं कर सकती, तुम उन्हें छोटी मोटी डील्स के लायक हो। और रियली अंशुमन, और तुम जीने के लायक नहीं हो। What are you doing? तुम भी। जयश्री, मैं सालों से तुम्हारा पार्टनर रहा और तुम मुझे सालों से डिसअपॉइंट करते आ रहे हो। बताइए मिसेस बर्मन, ऐसा ही हुआ था ना? नहीं योर ऑनर, मैंने अपनी जिंदगी में कभी कभी बंदूक चलाई नहीं। बर्मन, आप क्या कह रही हैं? हाँ, बंदूक आपके पास पाई गई थी। फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से इनके हाथ पर गन पाउडर पाई गई थी। अब ये कहना चाह रही कि वहाँ पे कोई भूत आ गया, उसने सबका खून कर दिया और वहाँ से उड़ गया। आप एडमिट क्यों नहीं कर लेती कि सारे खून आप ही ने किए हैं? ये बिल्कुल झूठ है। असली कातिल सुबोध प्रधान था। ऑर्डर ऑर्डर। सुबोध प्रधान? योर ऑनर, एक लाश, एक मुर्दा कातिल कैसे हो सकता है? मैं बताती हूँ। तो फाइल में पेपर दे दो। मिस्टर प्रधान, तुम हमारी प्राइवेट कॉन्फ्रेंस में ऐसे कैसे अंदर आ सकती हो? एक्सक्यूज मी, तुम्हारी प्राइवेट कॉन्फ्रेंस, मिस्टर प्रधान की मीटिंग हमारे साथ फिक्स हुई थी। पीपल, लेट्स सॉर्ट दिस आउट प्रॉपर्ली। व्हाई डू यू टेक अ सीट? आई थॉट यू हैड अ मीटिंग विद अस, इट वाज ऑल फाइनलाइज्ड। ये इन लोगों की पुरानी आदत है, इन लोगों को तो क्लाइंट चुराना ही आता है। मैं शायद कुछ पल के लिए बेहोश हो गई थी। होश हो गई थी? तो आपको ये भी नहीं पता कि आप होश में थी या बेहोश हो गई थी? मैं सदमे में थी। सदमे में थी, आपको कुछ भी नहीं पता? और ये कहना चाह रही आप कि सुबोध प्रधान ने, एक इन्वेस्टर ने, एक रईस आदमी ने, कितने प्रभावशाली आदमी ने अपने आप पे गोली चलाई? आप सीधे सीधे मान क्यों नहीं लेती कि चारों के कत्ल आपने किए? Your Honor, मैं अदालत के सामने अपनी दलील रखना चाहता हूँ कि मेरे मुखिल के प्रति चार लोगों को गोली मार के हत्या करना ये असंभव है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? Your Honor, आपकी अनुमति हो तो मैं अदालत को कंप्यूटर द्वारा बनाया गया एक डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन दिखाना चाहूंगा। अनुमति है। Your Honor, जैसा कि आपने देखा, चारों बलि किए गए व्यक्तियों के मस्तिष्क पर गोली साधी गई थी और चारों गोलियां अचूक निशाने पर लगी। Your Honor, इस प्रकार से सटीक अचूक निशाना लगाना तो किसी ओलंपिक शूटिंग स्पर्धा के प्रथम स्तर पर आए हुए व्यक्ति का है और मेरी मोक्किल एक साधारण सी महिला है। Your Honor, इनके प्रति ऐसा करना संभव नहीं। एक और जानकारी आपके आने से पहले योर ऑनर हमें प्राप्त हुई है कि चार नहीं पांच गोलियां चलाई गई थी उस दिन। पांचवी गोली ये है योर ऑनर, ये रही उसकी रिपोर्ट। योर ऑनर, इस रिपोर्ट के अनुसार ये गोली धसी हुई मिली और उस स्थान पर धसी हुई मिली जहां पर कोई भी खड़ा नहीं था। परंतु था ये प्रश्न उठता है कि जहां कोई खड़ा नहीं था उस स्थान पर गोली क्यों चलाई गई? तो इस पांचवी गोली का आपके ओलंपिक मार्क्समैन की थ्योरी से क्या संबंध? योर ऑनर, पांचवी गोली का इस केस से क्या संबंध है ये तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा, किंतु इस समय मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार का सटीक और अचूक निशाना जयश्री नहीं लगा सकती। योर ऑनर, इनके ओलंपिक
निशानेबाज होने की संभावना एक मुर्दे के कातिल होने से ज्यादा जरूर है। इसीलिए कहता हूँ योर ऑनर कि अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस केस में जो दिख रहा है वो नहीं है और जो नहीं दिख रहा वही है। मेरे कहने का अर्थ कि मुर्दा ही कातिल था योर ऑनर, और इसे प्रमाणित करने का प्रयास करने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति? ओ, तो मतलब मुर्दा कातिल भी था और एक ओलंपिक निशानेबाज भी था। योर ऑनर, इंसान जब बड़ा बन जाता है, दौलतमंद बन जाता है, धनवान बन जाता है, उसके शौक भी वैसे हो जाते हैं योर ऑनर, बड़े। सुबोध जी को बंदूकें एकत्रित करने का शौक था। चलो ठीक है, अगर हम एक सेकंड के लिए मिस्टर पाठक की बात को हजम भी कर ले, हम ये तो डिनाई नहीं कर सकते ना कि बंदूक पर मिस्टर प्रधान के नहीं बल्कि मिसेस बर्मन के फिंगरप्रिंट्स पाए गए थे। मिस्टर पाठक, क्या आपके पास इस बात का कोई जवाब है? योर ऑनर, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे मुवक्किल के कथन में है, जहां इन्होंने कहा था कि ये बेहोश हो गई थी, तो स्पष्ट है कि हत्यारे ने हत्या करने के बाद में वो गन इनके हाथों में दे दी होगी, जिसके कारण इनके उंगलियों के निशान उस पर आ गए। हत्यारे ने दस्ताने पहने होंगे योर ऑनर, मेरे मुवक्किल ने दस्ताने नहीं पहने थे क्योंकि हत्या करने की कोई मंशा थी नहीं इनकी। योर ऑनर, इसके अतिरिक्त ऐसे कई तथ्य हैं इस केस में जिस पर डिफेंस ना ही प्रोसिक्यूशन ने कोई टिप्पणी की है, ना ही उन प्रश्नों के उत्तर है हमारे पास। उदाहरण के रूप में योर ऑनर, की पांचवी गोली। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। Yes, sir. और उनका है तू? सर, मैं कोर्ट पहुंचने ही वाला। कोर्ट के बाहर प्रतीक्षा कर, एक आदमी निकला है पीले शर्ट में, पता लगा कौन? सर, वो मेरे सामने ही है, अभी अभी बिल्डिंग से बाहर निकला। सर, मैं देखता हूँ। भाई रुक जाओ, डोंट मूव, पूरी रिवॉल्वर यही खाली कर दूंगा मैं। भाई साहब, मैं कैंसलिंग, मैं वकील हूँ। मेरा मतलब है कि मैं वकील केडी पाठक के असिस्टेंट हूँ, वरुण। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप मेरे बॉस केडी पाठक को क्यों फॉलो कर रहे हैं? सावंत नाम है मेरा, स्पेशल ब्रांच। योगेश सावंत, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, आपकी मेरे बॉस केडी पाठक से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं, मुझे हमदर्दी है उससे। मतलब? मतलब तुम नहीं समझोगे, और तुम्हें समझाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। सर, इस आदमी का नाम जोगेश सावंत है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। प्रोसिक्यूशन होटल मैनेजर सुमित भार्गव को कटघरे में बुलाना चाहती है। इजाजत। सुमित भार्गव जी, क्या आप कोर्ट को बता सकते हैं कि उस दिन सुबह कॉन्फ्रेंस रूम में आपने क्या देखा? मैंने वही देखा जो निर्विक सिंह ने देखा। प्लीज, रिपीट टेलीकास्ट नहीं चाहिए, अगर कुछ नया देखा हो तो कोर्ट को बताइए। योर विटनेस। पाठक जी, योर विटनेस। हाँ, थैंक यू।
हाँ मैनेजर साहब, क्षमा चाहता हूँ। ये आप जहाँ पहले आप नौकरी करते थे वहाँ छोड़ दिया था, छोड़ नहीं दिया था, निकाल दिया था आपको। ये आपसे किसने कहा? मुझसे उन्हीं लोगों ने जो आपके सहकर्मी थे उस संस्था में, उन्होंने बताया, उन्होंने कथन दिया है। देखिए एफिडेविट के अनुसार आपने वो नौकरी छोड़ दी। आपको क्षमा चाहता हूँ, आपको उस नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, क्योंकि आप कैश रजिस्टर से रुपए चुरा रहे थे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। रेलेवेंस? रेलेवेंस ये है योर ऑनर के जिस संस्था की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से इन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, चोरी करते हुए पकड़े गए थे, ये उसके मालिक योर ऑनर सुबोध प्रधान थे। चोरी? एसपी साहब, मैं चोर नहीं हूँ। जो भी मैंने किया वो मजबूरी में आकर किया है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि चोरी की नौबत आ गई? दरअसल मेरी बीवी को कैंसर है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसका इलाज करा सकूं। अगर बीवी का इलाज नहीं करवा सकते, समझ जाने दो। चोरी करते हुए ये पकड़े गए, परिणाम स्वरूप इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और इनकी पत्नी ने कठिन परिस्थितियों में अपने प्राण छोड़ दिए। इसके लिए इन्होंने कभी सुबोध जी को क्षमा नहीं किया और हर हाल में उनसे बदला लेने का प्रण लिया। अगर हम इस बात को कत्ल की वजह मान भी ले तो फिर उन तीन लोगों को मारने की वजह क्या थी? ताकि कि हत्या करने का कोई गवाह न बचे। तो फिर इस गवाह को क्यों छोड़ दिया, इसे क्यों नहीं मारा? इस प्रश्न का उत्तर तो वही दे सकती हैं जिन्होंने यह हत्या की। ऐसा कहने से मेरा अर्थ ये है योर ऑनर की हत्या इन्होंने नहीं की थी, इन्होंने हत्या करवाई थी कुछ ऐसे। एम्प्लॉई अपने बॉस के लिए किसी का खून क्यों करेगा? हाँ, एक कर्मचारी अपने मालिक के लिए हत्या करे न करे, योर ऑनर एक पुत्री अपने पिता के लिए अवश्य ऐसा कर सकती है। और जिन्होंने हत्या की है योर ऑनर, वो इनकी सुपुत्री है और इस बात का प्रमाण ये जन्म पत्री है योर ऑनर दिलनाज, जो इन्हीं के साथ कार्य करती थी, इन्हीं की पुत्री है योर ऑनर। आप निशानेबाजी का अभ्यास करती हैं या नहीं? और आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां पर आप ये अभ्यास करती हैं, पुणे आर्मी कैंप, आपके नाम की रसीद वहां जज साहब की मेज पर रखी हुई है। करती हैं आप अभ्यास? आप मेरे अंकल आर्मी में थे और वो मुझे हर गर्मी की छुट्टियों में शूटिंग की प्रैक्टिस के लिए ले जाया करते थे। ओह, तो क्या इसी वजह से आपने बाकी सबको मार दिया लेकिन जय श्री बर्मन को छोड़ दिया? हाँ, ये देखो, पूछना तो भूल ही गया मैं आपसे, क्यों बा जय श्री जी को क्यों नहीं मारा आपने? मिस्टर पाठक, प्लीज अप्रोच द बेंच। जी जी योर ऑनर। मिस्टर पाठक, मुझे उम्मीद है कि आप अदालत का वक्त बर्बाद नहीं कर रहे हैं। नहीं योर ऑनर, मैं अदालत का समय क्यों व्यर्थ करूंगा? मैं तो छानबीन कर रहा था, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं योर ऑनर। मैं क्यों, लगता है कि उनको बहुत भूख लग गई योर ऑनर। देखिए ना कितने बेचैन हो रहे हैं आप। मिस्टर पाठक, आप एक काम कर लीजिए, आप मेरा टिफिन बॉक्स खा लीजिए। वैसे भी ना टिफिन में मैंने आज गुलाब जामुन लाए, मैंने खुद बनाया। सब लोग मेरे गुलाब जामुन की बहुत ज्यादा तारीफ करती है, मतलब सेम कलर सेम टेक्सचर सेम टेस्ट। मैंने अपनी जिंदगी में कभी बंदूक चलाई नहीं। मुर्दा कातिल कैसे हो सकता है? पर मैंने उनका कत्ल नहीं किया। मैं किसी जिंदा चीज को मार कैसे सकती हूँ? मेरे गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत स्वाद होते हैं। शर्मा, मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया था। जी मिलोट,
योर ऑनर, जैसा कि मैं कह रहा था, मैं अदालत का समय व्यर्थ करने की ऐसी कोई मंशा नहीं है मेरी, और मैं क्यों अदालत का समय व्यर्थ करूंगा योर ऑनर? पता नहीं क्या हो गया है नए वकीलों को, केस के बीच में आपके सामने गुलाब जामुन की बातें करना है योर ऑनर। आपकी अनुमति हो तो। अनुमति। योर ऑनर, अभी इस केस में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। ये जानकारी मैं अदालत के सामने प्रस्तुत करूं उससे पहले इसका परीक्षण करना बहुत अति आवश्यक है। अगर आप परीक्षण करने के लिए थोड़ा समय मुझे दे तो मैं अदालत का आभारी रहूंगा। योर ऑनर, पहली अदालत का इतना समय बर्बाद हो गया, अब और किस लिए? योर ऑनर, गुलाब जामुन गिनने से तो अच्छा है किसी ने दोष की जान बचाना। ये अदालत डिफेंस की मांग से ज्यादा उसके दावे को मद्देनजर रखते हुए उसे समय देती है, एक दिन का। एक दिन मिस्टर पाठक, याद रहे ये आपको दिया जाने वाला आखिरी मौका है। केडी सर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। इट्स अ मैच 100%। योर ऑनर, अदालत का एक क्षण भी नष्ट किए बिना मैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जोगेश सावंत को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का इस केस के साथ क्या संबंध? योर ऑनर, अगर साक्षी से प्रश्न करने का अवसर मिले तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रोसिक्यूटर महोदय को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अनुमति। जोगेश सावंत साहब, शूट आउट एंड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है। 68, अब तक पूरे 68 एनकाउंटर कर चुका हूँ। आभार मानते हैं हम कि आप इस प्रकार से जुर्म को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। वेल डन। ये बताइए सावंत साहब कि आप यहाँ इस अदालत में प्रारंभ से वहाँ पीछे बैठकर क्यों, क्या कर रहे थे आप? टाइम पास कर रहा था मैं, मेरा टीवी खराब था। ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर सावंत, ये एक सीरियस केस है, प्लीज सभ्यता से पेश आइए। सॉरी योर ऑनर। सावंत साहब, मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ अदालत में आपका बंदूक नहीं, जज साहब की वाणी चलती है। ये बताइए कि ये जो मेरे मुवक्किल हैं जयश्री जी, आपने तो इस केस में वहाँ बैठे बैठे इस केस की हर बारीकी को सुना, किस प्रकार से उन चारों व्यक्तियों को गोली मारी, क्या आपको लगता है कि जयश्री जी इस प्रकार से निशाना साध कर ये गोली मार सकती है, हत्या कर सकती है? पॉसिबल? इम्पॉसिबल। एक, शायद दो, लेकिन चार इम्पॉसिबल। योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड, हमारे पुलिस फोर्स के सर्वोत्तम शूटर ये कथन दे रहे हैं कि जिस प्रकार से हत्या हुई उस प्रकार से हत्या करना मेरे मुवक्किल के लिए असंभव था। योर ऑनर, इम्पॉसिबल। तो क्या लगता है सावंत साहब आपको, आप तो दोनों तरफ के लोगों को ही जानते हैं, तो कितने ऐसे लोग होंगे हमारे शहर में या भारत में जिनके लिए इस प्रकार से अचूक निशाना साधना संभव होगा? एशिया में सिर्फ 3। और मुझे पूरा विश्वास है कि 3 में से एक नाम तो आपका होगा ही। यस, मेरा नाम भी आता है। दूसरा? एक कोरिया की जेल में सड़ रहा है। अच्छा, कोरिया, कोरिया के जेल में, वहाँ तो बहुत दूर है कोरिया। तीसरा? अरे उस आखिरी वाले के पीछे तो मैं पिछले 5 सालों से पड़ा हुआ। अच्छा,
सावन साहब, आप किसी के पीछे 5 वर्षों से लगे हुए हैं और वो आपको मात दे रहा है, क्यों, कहाँ है वो? गायब हो गया सारा। मिस्टर सावंत, माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। सॉरी। सावंत साहब, अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस व्यक्ति को आप खोज रहे हैं वो गायब नहीं है, लापता नहीं है, यही है, इसी शहर में छिपा हुआ अपना चेहरा बदल कर, तो आप क्या कहें? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, दिस इज टू मच। अभी प्लास्टिक सर्जरी, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि हम डेली सोप बना रहे हैं। सौंदर्या जी, आपने तो सुना ही होगा कि वास्तविकता कल्पना से प्रेरित होती है और कल्पना वास्तविकता से। योर ऑनर, मेरे पास यहाँ उंगलियों के छाप की 2 सूची है यार। प्रथम सूची उन छापों की है जो पुलिस ने मृत सुबोध की उंगलियों से प्राप्त की है, और जब उन्होंने अपने डेटाबेस से उन छापों को मिलाया तो ये द्वितीय सूची प्राप्त की है। अब स्वाभाविक है कि मृत सुबोध प्रधान की उंगलियों के छाप पुलिस की डेटाबेस से मिलाए जाएं तो उनकी डेटाबेस से भी योर ऑनर सुबोध प्रधान के ही उंगलियों के छाप मिलने चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है योर ऑनर। बहुत ही अद्भुत बात है कि ये व्यक्ति जो है, ये इस व्यक्ति की उंगलियों के छाप। देखिए, ये क्या ये व्यक्ति वही है जिसे आप 5 वर्षों से खोज रहे हैं? ये वही आदमी है, अर्थात योर ऑनर जिस व्यक्ति का मृत शरीर घटनास्थल से प्राप्त हुआ था, जिसे हम अब तक सुबोध प्रधान समझ रहे थे, वो सुबोध प्रधान नहीं योर ऑनर, ये पेशावर हत्यारा था जिसे न केवल सावन साहब बल्कि मुंबई का पुलिस फोर्स खोज रहा था इतने वर्षों से। योर ऑनर, एक और प्रमाण है इसका, त्रिचित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, उसके कान के पीछे शल्य चिकित्सा अर्थात प्लास्टिक सर्जरी के निशान पूरी तरह से भरे नहीं। मिस्टर पाठक, कि शायद वो प्लास्टिक सर्जरी वाला ही हत्यारा हो, लेकिन कोई भाड़े का हत्यारा इतनी माथापेची क्यों करेगा? गुड पॉइंट सौंदर्या जी। योर ऑनर, अब रकम भारी हो तो व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता उस रकम के लिए, और ऐसा ही किया इस हत्यारे। योर ऑनर, हम सब जानते हैं कि सुबोध प्रधान ने लाखों लोगों को छला है, ऐसे में सुबोध प्रधान साहब ने एक बहुत ही नायाब षड्यंत्र रचा और एक ऐसे खतरनाक हत्यारे को नियुक्त किया, उनके सामने भारी भरकम मोटी रकम रखी, और वो हत्यारा सुबोध प्रधान का चेहरा प्लास्टिक सर्जरी द्वारा अपनाने को राजी हो गया। उस दिन सुबोध प्रधान ने अपने षड्यंत्र को अंजाम दिया। योर ऑनर, मिस्टर पाठक फिर से एक नई रेसिपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह वो एक अहम सामग्री डालना भूल गए। मिस्टर पाठक, क्या आप कोर्ट को सिर्फ इतना बता सकते हैं कि कातिल ने मिसेस बर्मन को जिंदा क्यों छोड़ा? योर ऑनर, इस बात को स्पष्ट करने के लिए इस फाइल में जो सामग्री है उतना पर्याप्त है। योर ऑनर, इस फाइल में उस हत्यारे के पुलिस रिकॉर्ड्स है जिनके अनुसार वो महिलाओं पर आक्रमण नहीं करता। सावन साहब, क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं? यू आर राइट। योर ऑनर, उस दिन जो योजना बनाई गई थी उस योजना के तहत सब कुछ नहीं हुआ। वह ये कि यह हत्यारा सुबोध प्रधान के चेहरे के पीछे वहां छिपा हुआ था। जयश्री जी और गिरीश जी तो यकायक योर ऑनर संयोग से वहां पहुंचे, चूंकि जयश्री जी क्रोध से तिलमिलाई हुई थी तब वो जाकर वो झगड़ा शुरू हुआ, और इस योजना में जो आखिरी दाव था वो सुबोध प्रधान ने ही खेला था। सुबोध प्रधान साहब जानते थे कि अंशुमन मेहता और संजय देसाई के कारण सीबीआई उनके पीछे पड़ी हुई है, और इसी से बचने के लिए वो उन दोनों को रास्ते से हटाना चाहते थे। योर ऑनर, उन्होंने एक भाड़े का हत्यारा नियुक्त किया, न केवल उन दोनों को रास्ते से हटाने के लिए, पैसे देकर अपना चेहरा प्रदान करके अपनी ही मृत्यु की झूठी कहानी रचने के लिए।
आप यहां कैसे? एक आखिरी गवाह को खत्म करना है। जाते जाते उन्होंने उस भाड़े के हत्यारे की भी हत्या कर दी और वो गन मेरे मुवक्किल के हाथों में थमा दी ताकि पुलिस हत्या का आरोप इन पे लगाए, इन्हें दंड हो और आगे इस केस की इन्वेस्टिगेशन ना हो, वो स्पष्ट रूप से फरार हो जाए। क्या बात है मिस्टर पाठक, क्या डायलॉग डिलीवरी देते आप। लेकिन अभी भी आपकी दलीलों को हम कैसे मान लें? आप जब तक असली एसपी मतलब सुबोध प्रधान को इस कोर्ट में नहीं लेकर आएंगे? सबके सामने तो है ही, भी तो लाइए उन्हें कटघरे में। डॉन साहब आप बैठिए। सुबोध जी, ये जो नकली दाढ़ी आपने लगाई है, या आप स्वयं निकालेंगे या मैं खींच दूं। आपकी पूरी कहानी का वर्णन तो मैं कर ही चुका हूं अदालत में। आपका जीवित होना इस बात का प्रमाण है कि पूरे खेल की रचना आप ही ने की थी। कुछ कहना चाहते हैं आप न्यायाधीश महोदय से, कह दीजिए। जैसे केडी पाठक ने आपको बताया, मुझे शिकार का बहुत शौक है, लेकिन आज इन्होंने मुझे शिकारी से शिकार बना दिया। पहली बार आज एक काबिल खिलाड़ी से मात खाई है। आशा है कि यह हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। The defense rests, Your Honor. यह अदालत सुबोध प्रधान को हिरासत में लेने का हुक्म देती है और उन्हें अंशुमन मेहता, संजय देसाई और गिरीश बंगेरा की हत्या का दोषी मानती है। साथ ही जयश्री बर्मन को तमाम इल्जामों से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. सुंदरिया जी, अब पूछेंगी नहीं कि मुझे या कैसे पता चला कि दो दो सबूत हैं? बोल दीजिए। जब आपने गुलाब जामुन की बात की, तब दो गुलाब जामुन की कल्पना करके मुझे लगा कि दो गुलाब जामुन हो सकते हैं, तो दो सबूत क्यों नहीं?